वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नो स्मोकिंग डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 8 मार्च को। 8 मार्च को हमने और क्या सेलिब्रेट किया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी हमने 8 मार्च को ही सेलिब्रेट किया। और इस बार जो नो स्मोकिंग डे है, इसका थीम क्या रहा है? इसका थीम रहा है स्टॉपिंग स्मोकिंग इम्प्रूव्स योर ब्रेन हेल्थ। तो ये रहा इस बार का इसका थीम रहा है। और भी हम लोगों ने मार्च महीने में कुछ इम्पॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए हैं, उसको भी देख लेते हैं। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस वाइल्ड लाइफ डे ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 4 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो ये मनाया गया 8 मार्च को। तो इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में एशियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। ये इस बार जो एडिशन है, कौन सा एडिशन है? तो ये 5वां एडिशन है इस बार। बात आई है एशियान की, फुल फॉर्म इसका हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना इसका होता है 1967 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको इसका जकार्ता में। इसमें टोटल 10 मेंबर कंट्रियां हैं और 11वां देश इसमें जो जुड़ने वाला है उसका नाम है तिमोर लिस्टे। ये देश 11वां इसमें ऐड होने वाला है। जो 10 देश हैं पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस और बुर्नूल डोरुसलम, ये 10 कंट्री इसमें पहले से शामिल है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत इसका मेंबर नहीं है। एशियान का मेंबर भारत नहीं है। हाल ही में पृथ्वीचक्र आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है डेविड चिपरफील्ड। इनका नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये लंदन के रहने वाले हैं। और बात करेंगे पृथ्वीचक्र पुरस्कार की, तो इसको दिया जाता है हयात फाउंडेशन की तरफ से। हयात फाउंडेशन ने इसको देने का शुरुआत किया था। और कब किया था? तो 1979 में इसकी शुरुआत हुई थी। आर्किटेक्चर के फील्ड में इस अवार्ड को इसका आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। बात करेंगे बाल कृष्णा दोषी को। अगर पूछा जाए कि भारत में पहला अवार्ड पृथ्वीचक्र आर्किटेक्चर का अवार्ड किसको मिला था, तो ये मिला था बाल कृष्ण दोषी को। कब मिला था ये? 2018 में इनको दिया गया था। और ये एकमात्र भारतीय हैं जिनको यह पुरस्कार मिला हुआ है। और अगर ये पूछा जाए कि 2022 में ये अवार्ड किसको मिला, तो ये मिला फ्रांसिस केरे को। किसको मिला? फ्रांसिस केरे को। तो इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में भूमचू उत्सव कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो ये हुआ है सिक्किम में। सिक्किम की बात आई है तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। कैपिटल यानी राजधानी इसकी हो जाएगी गंगटोक। और यहाँ के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। और अभी हाल ही में ये सिक्किम में ही अम्मा बहिनी योजना स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे? सिक्किम में। और सिक्किम अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? स्थापना दिवस मनाता है ये 16 मई को। अपना स्थापना दिवस सिक्किम सेलिब्रेट करता है। बात करेंगे लोसांग फेस्टिवल की, ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? तो ये भी सिक्किम में। एक होता है लोसांग, एक होता है लोसार। लोसार सेलिब्रेट किया जाता है लद्दाख में, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। लोसांग है आपका सिक्किम का और लोसार है लद्दाख का। हाल ही में कतर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं शेख मोहम्मद। इनके पूरे नाम की अगर बात करेंगे तो इनका पूरा नाम हो जाएगा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। ये इनका है पूरा नाम। तो बात आई है कतर की, तो कतर की कैपिटल होती है दोहा। और 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? ये भी हुआ था कतर के दोहा में। और अगर पूछ लिया जाए कौन से संस्करण का था वो, तो 22 नंबर का था इस बार ये। और किसने जीता? तो ये फाइनल मैच हुआ था अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में, इसको जीता था अर्जेंटीना ने।
और भी कुछ इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे इस बार फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या था, तो वो था लाइब। और गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला, तो गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था लियोनल लियोनल मैसी को, ठीक है। ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, कहाँ के, अर्जेंटीना के। गोल्डन बूट का अवार्ड मिला था किलियन किलियन एम्बापे को, किलियन एम्बापे को मिला था। इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किया था इस वर्ल्ड कप में। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। और अगर पूछा जाए जो फुटबॉल, जिस फुटबॉल से ये मैच खेला गया था उसका क्या नाम रखा गया था, तो उसका नाम था अल रहला, अल रहला उसका नाम था। ये एडिडास कंपनी ने इसको बनाया था। तो इतनी बातें ध्यान रख के बढ़ते हैं आगे। हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है रामचंद्र पौडेल को। अब बात करेंगे नेपाल की, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन है, तो ये हैं पुष्प कमल दहाल प्रचंड, और कैपिटल इसकी है काठमांडू। काठमांडू में ही आपको मिलेगा सार्क का हेडक्वार्टर, यहीं पे मिलेगा काठमांडू में। अगर बात करेंगे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, तो इनका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है, और मैक्सिमम 2 बार यहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का, उसके ज़्यादा नहीं। बात करेंगे अगर भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की, तो यहाँ पे कोई ऐसा 5 साल का कार्यकाल यहाँ भी होता है, लेकिन कितनी बार बन सकते हैं इसका कोई वो लिमिट नहीं है। अमेरिका में जो ये होता है, अमेरिका की बात करेंगे USA की, तो यहाँ पे 4 साल का कार्यकाल होता है, और मैक्सिमम 2 बार आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। यहाँ पे बात आई है नेपाल की, तो नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं ये भी देख लेते हैं। तो पहला है उत्तराखंड, यह नेपाल के साथ सीमा बनाएगा। दूसरा आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सबसे ज़्यादा सीमा अगर कोई बनाता है तो वह है उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ। तीसरा हो जाएगा आपका बिहार, चौथा हो जाएगा वेस्ट बंगाल, और ये सिक्किम। तो ये 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। हाल ही में किस देश की महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर कोलंबिया। यहाँ पे महिलाओं का सेना में आने का मतलब ये है कि पहले यहाँ पे 18 से लेके 24 वर्ष तक के जो पुरुष हैं इनको 1 साल के लिए अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है कि आप सेना को 1 साल अपना देंगे ही देंगे, पर ये महिलाओं पे नियम नहीं लागू था। लेकिन अब 18 से लेकर के 24 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उन पर भी ये नियम लागू हुआ है। उसमें क्या है, इसमें कंपलसरी महिलाओं के लिए जो है, अगर वो अपनी इच्छा से सेना में जाना चाह रही हैं तो वो जा सकती हैं, कंपलसरी उनके लिए नहीं है, पर पुरुषों के लिए यहाँ पे कंपलसरी है। बात आई है कोलंबिया की, तो कोलंबिया की जो कैपिटल है वो है बोगोटा, बोगोटा ये यहाँ की कैपिटल है। एक्सिस म्यूचुअल फंड के नए MD CEO कौन बने हैं, तो ये बने हैं बी गोप कुमार। शैलेश पाठक की बात करेंगे, तो अभी हाल ही में इनको फिक्की का महासचिव नियुक्त किया गया था। राजीव रघुवंशी अभी हाल ही में भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल बने थे। और गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं प्रेजेंट टाइम में भारत के कैग हैं, और अभी इनको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO का बाहरी लेखा परीक्षा भी नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है, तो इसको जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। और हाल ही में सतीश कौशिक का निधन हो गया है, वह क्या थे, तो सतीश कौशिक एक अभिनेता यानी एक्टर थे, एक कॉमेडियन थे, इनको गोविंदा जी की मूवी में ज़्यादातर देखा जा सकता था। और हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ खोजा गया है, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम लोग करते हैं कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन। हाल ही में UNEP ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है, तमिलनाडु के साथ। हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया, 7 मार्च को मनाया गया। और हाल ही में राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया, गोवा में। और हाल ही में किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई है,
सचिन तेंदुलकर को किसने घोषणा किया है? तो सेवलॉन कंपनी ने। हाल ही में 2022 बीबीसी इंडियन स्पोर्ट महिला ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है मीराबाई चानू ने। ये मणिपुर की रहने वाली हैं और एक वेट लिफ्टर भी हैं, और हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में कमांड कम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो ये बनी है कैप्टन शैलजा धामी। हाल ही में किसानों के लिए नैनो डीएपी उर्वरक को किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा। ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन करने की घोषणा की है? भारत करेगा। हाल ही में अटुकल पोंगल उत्सव कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया केरल में। और अगर ये पूछा जाए कि पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? उत्तराखंड। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर मानिक शाह। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च को। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च को। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।